आप इस जगत में बिल्कुल अनूठे हो, बिल्कुल अनमोल हो, आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। परमात्मा ने आपको बनाया है, आप अनूठे हो, आपके मेल का कोई भी नहीं है। आप इस जगत में अतुलनीय हो, आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हर इंसान इस जगत में अनूठा है, उसकी किसी दूसरे इंसान से तुलना नहीं की जा सकती। जब भी आप अपने बारे में ये सोचो कि मुझ में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, तो इसका मतलब आपने अंदर झांक के नहीं देखा। जब भी आप अपने अंदर थोड़ा झांक के देखोगे, आपको पता पड़ेगी कि आप कितने अनूठे हो। परमात्मा ने आपको ऐसा बनाया है, परमात्मा ने हर इंसान को इस तरह से बनाया है कि वो अनूठा है, बेजोड़ है, उसका कोई भी जोड़ नहीं हो सकता हर इंसान का। आप जरा देखिए गौर से, तुलना को आप छोड़ दीजिए, दूसरे से तुलना मत कीजिए किसी भी बात की। तब आप अपने अंदर झांक के देखिए, आप पाएंगे कि आप एकदम अनूठे हो, अतुलनीय हो, और आपका कोई भी मुकाबला नहीं। जब भी आप तुलना करते हो किसी से, समस्या वहीं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि तुलना आप किस चीज़ से कर रहे हो? तुलना आप उस चीज़ से कर रहे हो जो आप दूसरे में देख रहे हो, आप खुद के अंदर नहीं देख रहे हो। जब भी आप अपने अंदर झांको और झांक के देखो, कुछ आपके अंदर है ऐसा स्पेशल जो कहीं नहीं है जगत में। आप एकदम अनूठे हो, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान अनूठा है इस पृथ्वी पर, हर जीव अनूठा है, प्रकृति की एक एक संरचना अनूठी है। तभी तो आपने देखा होगा हर जगह का सौंदर्य आपको अलग नज़र आता है। सुबह का उगता हुआ सूरज आप देखिए, वो अनूठा है। आप पहाड़ों में जाके देखिए गिरते हुए झरने को, वो अनूठा है। अगर आप सूरज की तुलना झरने के सौंदर्य से करने लगे तो कैसे करोगे? ये बेमेल बात है। नदियाँ अनूठी हैं, समुद्र अनूठा है, गोवा का सौंदर्य अनूठा है, शिमला का सौंदर्य अनूठा है। इस जगत में हर जगह का, हर चीज़ का सौंदर्य अनूठा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप कभी भी ये मत समझना कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कभी भी मत सोचना, क्योंकि आप अनूठे हो, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है, ये मैं आपसे कहता हूँ। आपने अपने आप को मान लिया है, कुछ कमी है, बात सिर्फ मान्यता की है। इस जगत में जो भी है वो सिर्फ मान्यता की ही बात है। आप सारी मान्यता छोड़ दीजिए, आप अनूठे हो। कभी भी आप किसी भी चीज़ से तुलना मत कीजिए। परमात्मा ने आपको जन्म दे दिया, और क्या चाहिए? हमारी आकांक्षाएं एक तो इतनी हैं कि एक पूरी होती है तो दूसरे पर, दूसरी पूरी होती है तो तीसरे पर। हमने रुकना सीखा ही नहीं। कभी अंदर से रुक के देखो, रुक के देखो अपने अंदर के सौंदर्य को, अपने अंदर के उस परमात्मा को जो अनूठा है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये सारा जगत परमात्मा से भरा हुआ है। मैं आपसे कहूं कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं तो ये बात गलत ना होगी। लोग तुलनाएं करने लग जाते हैं। तुलनाएं इस बात की भी हैं कि एक आदमी कम शराब पीता है, एक ज़्यादा पीता है। ज़्यादा पीने वाला भी एक से कहेगा, देख तुझे तो इतने में ही नशा हो गया, और मैं तो देख इतना पैक पी गया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। गजब की तुलना है। लोगों की तुलना भी अनूठी है, शराब में भी तुलना, कौन कितनी ज़्यादा पीता है,
उसमें भी उनका अहंकार देखो। आप अहंकार को छोड़ दीजिए, अहंकार का अर्थ है मैं से, आप मैं को निकाल दीजिए।